हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोहक इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चैप्टर 10 से क्लास 10 की मैथ्स की बुक है फ्रेंड्स, आरएस अग्रवाल वी अग्रवाल की। पेज नंबर 536 में ये एग्जांपल गिवन है। गिवन है इफ़ कॉस ए इज इक्वल टू 9/41, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। कॉस ए की वैल्यू गिवन है, हमें अदर जो रेशियोज़ हैं फॉर एंगल ए वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इस तरह से हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ए बी सी इसको नाम दे देंगे। एंगल बी यहाँ पे 90 डिग्री है एंड एंगल सी को हमने यहाँ पे ए ऑलरेडी गिवन है, तो ए से जो है सारी रेशियोज़ यहाँ पे हम काउंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, एज वी नो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे इम्प्लीमेंट होते हैं। तो यहाँ पे एंगल बी हो गया 90 डिग्री। इसके बाद से फ्रेंड्स, कॉस ए क्या हो जाएगा? कॉस ए क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। एंगल ए के लिए बेस क्या है? जिस पे एंगल बना हुआ है वो स्ट्रेट लाइन, मीन्स ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज मीन्स ए सी इस ट्राइंगल में, ठीक है। तो ए बी अपॉन ए सी हो गया। यहाँ पे क्या गिवन है? कॉस ए की वैल्यू 9/41। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ए बी इज इक्वल टू क्या मिल गया है? 9, और ए सी मिल गया है 41। ए बी हो गया 9, ए सी हो गया 41। तो रिमेनिंग क्या बचा है? एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर इसकी ऑपोजिट साइड, ये हमें फाइंड करनी है। तो ईजिली हम फाइंड कर सकते हैं फ्रेंड्स, किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स क्या हो जाता है? एज वी नो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। गिवन ट्राइंगल से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी क्या हो जाएगा? एंगल ए के लिए बेस, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, ए सी की वैल्यू है 41, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू है 9 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमें बी सी फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले 41 का स्क्वायर हम फाइंड कर लेंगे। ऐसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं साइड में, देन यहाँ पे क्या आ गया है? 1681 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर हो गया 81 प्लस बी सी का स्क्वायर। 81 को इधर ले करके आएंगे, लेफ्ट में माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बच गया फ्रेंड्स? 1600। यहाँ से इसको हम रफ करेंगे, यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। बी सी का स्क्वायर हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे? 1600। देन बी सी क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 1600। 1600 का अंडर रूट क्या हो जाता है फ्रेंड्स? 40। तो बी सी हमें यहाँ पे क्या मिल गया है? 40। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू 40। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें तीनों साइड मिल गई हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। तो इजीली अब हम अदर रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। तो अदर रेशियोज कॉस ए गिवन था, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे? साइन ए। साइन ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? साइन के लिए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है? इसकी ऑपोजिट साइड, मीन्स बी सी अपॉन में ए सी। बी सी अपॉन ए सी दैट मीन्स 40/41। ये हो गया साइन। कॉस तो ऑलरेडी गिवन है, इसके बाद आ जाता है टेन। टेन ए क्या हो जाएगा? टेन में क्या होता है फ्रेंड्स? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है बी सी और बेस क्या है? ए बी। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? बेस ही अपॉन में ए बी। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, बी सी है 40, ए बी है 9। 40/9 हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स आता है कॉसेक। कॉसेक ए, कॉसेक क्या हो जाता है फ्रेंड्स? जस्ट साइन का ऑपोजिट, मीन्स ए सी अपॉन बी सी, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। वैल्यू हो जाएगी 41/40। इसके बाद आ जाएगा फ्रेंड्स कॉस का ऑपोजिट सेक। सेक ए क्या हो जाएगा? कॉस का ऑपोजिट। एज वी नो कॉस क्या था? ए बी अपॉन में ए सी। तो इस सेक क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन में ए बी, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। ए सी की वैल्यू है 41, ए बी की वैल्यू है 9। इसके बाद लास्ट क्या आ जाता है फ्रेंड्स? कॉट।
कॉट ए क्या हो जाएगा, टेन का ऑपोजिट टेन है बी सी अपॉन ए बी, तो कॉट हो जाएगा ए बी अपॉन में बी सी। ए बी क्या है, एंगल ए के लिए बेस है, और बी सी क्या है, परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो गया, कॉट। वैल्यू पुट कर देंगे, ए बी की वैल्यू 9, बी सी की वैल्यू 49/40। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये अदर फाइव रेशियोज जो हैं यहाँ पे हमने इजीली फाइंड कर लिए हैं। ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा आंसर, और कंप्लीट सॉल्यूशन जो है फ्रेंड्स आप देख रहे हैं वीडियो में इस तरह से है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, प्रैक्टिस किया है। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और भी वीडियोस आगे देखते रहने के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।